प्रभु के नाम की महिमा हो आप सभी को। जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन में एक बार फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नई मिशनरी के साथ। आज की मिशनरी जीवन में हम बात करेंगे मैरी मोनसेन के जीवन के बारे में। जन्म 1878, मृत्यु 1962, मूल स्थान नॉर्वे, दर्शन चीन। आइए हम ध्यान देते हैं। मैरी मोनसेन चीन में सेवा करने वाली अब तक की सबसे प्रिय विदेशी मिशनरियों में से एक थी। वह एक पढ़ी लिखी महिला थी जिन्होंने एक शिक्षक बनने का प्रशिक्षण लिया, लेकिन आखिरकार उन्हें मिशनरी सेवा के लिए बुलाहट मिली। वे सन 1901 में चीन पहुंची जब देश बॉक्सर विद्रोह अराजकता में था, जिसके दौरान कई विदेशी मिशनरियों की मृत्यु हो गई। फिर भी मोनसेन ने निर्भीकता से सुसमाचार को साझा करने और अपने उद्धारकर्ता से पाया हुआ उस प्रेम को दिखाने के लिए चीनी क्षेत्र में प्रवेश किया। प्रारंभिक वर्षों के दौरान चीनी महिलाओं के लिए बाइबल कक्षाओं की संचालन और लड़कियों का एक छोटे से स्कूल चलाते हुए उन्होंने एक शांत मिशनरी सेवा की। हालांकि जैसे राजनीतिक अशांति तेज हो गई तो उन्हें मंचूरिया और उत्तरी चीन की यात्रा की, जहां उन्होंने मिशनरियों और चर्च के नेताओं के बीच आध्यात्मिक जागृति को उभारा। चाहे उनका संप्रदाय कोई भी हो या वे एक सामान्य विश्वासी या परमेश्वर के दास हो, यह उनका सार्वजनिक प्रश्न था, क्या आपने नया नियम पाया है? पवित्र आत्मा ने शांतुंग में मोनसेन की बैठकों में शक्तिशाली रूप से काम किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1930 के दशक के आरंभ में एक महान आध्यात्मिक जागृति की शुरुआत हुई। प्रार्थना में अपने प्रभु के साथ मोनसेन हमेशा घनिष्ठ संपर्क में थी, जिससे उन्हें सेविकाई के लिए प्रभु के निर्देश को समझने में मदद मिली। उन्होंने शुभ संदेश की घोषणा करने के लिए डाकुओं से प्रभावित प्रदेशों से हजारों मील की यात्रा की। एक बार जब वह शांतुंग के सम्मेलन में जाने के लिए जहाज पर रवाना हुई तो समुद्री लुटेरों ने उस जहाज को हाईजैक कर लिया। उन्होंने उस अवसर का उपयोग जहाज पर के लोगों के साथ समुद्री डाकियों को सुसमाचार सुनाने के लिए किया। बंधन में रहने के बावजूद उन्होंने सुसमाचार ट्रैक्ट वितरित किए, जिसे जोर से पढ़ा गया और कई लोगों को एक सच्चे परमेश्वर का ज्ञान मिला। मोनसेन विश्वास की एक उल्लेखनीय महिला थी जो प्रभु की सेवा में लगातार बनी रहती थी। जब वह चीन पहुंचने के बाद सिर में चोट लगने के कारण चीनी नहीं सीख पाई तो उन्होंने अपने आसपास बोली जाने वाली भाषा को चुन कर सीखा। जब वह बीमारी के कारण यात्रा नहीं कर सकती थी तो उन्होंने प्रार्थना की। जब अन्य लोगों ने जोर देकर कहा कि चीनी लोग कभी पश्चाताप नहीं करेंगे और वहां आध्यात्मिक जागृति नहीं होगी तो उन्हें उम्मीद थी कि परमेश्वर इससे बढ़कर करेगा। प्रिय, क्या आप नया जन पाए हो? प्रभु मुझे सुसमाचार के बीच होने में मदद करे और आप पर विश्वास करे कि आप सही समय में फसल लगाएंगे। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीषित करें।